सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की किताब स्पर्श हिंदी कक्षा 9 की कविता रहीम के दोहे। रहीम के दोहे पढ़ने से पहले हम रहीम के जीवन परिचय को उजागर करेंगे। रहीम यहाँ मध्ययुगीन कालखंड के एक महान कवि थे। रहीम ने अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, उर्दू, खड़ी बोली, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रचनाएं की थी। रहीम सम्राट अकबर के दरबार के एक दरबारी कवि थे। साथ ही साथ सम्राट अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से एक थे, जैसे बीरबल, तानसेन, टोडरमल, उसी प्रकार रहीम भी थे। रहीम ने ये जितने भी दोहे लिखे हैं, ये उनके नीति पर विचार है। रहीम के दोहे में पहली पंक्ति में नीति पर विचार और दूसरी पंक्ति में नीति पर विचारों के साथ साथ नीति पर उदाहरण को भी उन्होंने स्पष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर इन दोहों को समझाने का प्रयास किया है। रहीम का पहला दोहा है, रहीमन धारा प्रेम का मत तोड़ो चक्कर, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यहाँ पर नीति पर विचार पहली पंक्ति में रखा है। रहीम कहते हैं, प्रेम एक ऐसा भाव है, स्नेह एक ऐसा भाव है, वो बिल्कुल एक धागे के समान नाजुक या मृदु होता है। इसको अगर जानबूझ के कोई तोड़ने का प्रयास करता है, शायद हो सकता है उसको चोट पहुंचेगी या उसको पीड़ा होगी या दर्द होगा। इसलिए वे कहते हैं, जानबूझकर किसी के मन को, किसी के प्रेम को, किसी के स्नेह को तोड़ने का कोई प्रयास न करें। अगर इस भाव को कोई तोड़ता है तो वो आसानी से फिर से एक बार उसको नहीं जोड़ा जाता। यहाँ पर उन्होंने इस नीति पर एक विचार को उदाहरण के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार धागा एक अखंड धागा है, अगर वो टूट जाता है चाहे हम कितना भी लाख प्रयास करें, वो फिर से जोड़ा नहीं जाता। अगर वो जुड़ भी जाता है तो मिले गांठ पर ही जाए, तो उसमें बराबर गांठ पड़ जाती है। एक बार अगर किसी के मन को, किसी के प्रेम को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद चाहे हम लाख कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, उसमें किसी ना किसी प्रकार की गांठ पड़ ही जाती है। तो प्रेम के भाव को यहाँ पे व्यक्त करने का प्रयास किया है। दूसरा रहीम का दोहा है, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठरिया लोग सब बाटी में लेहे कोए। रहीम ने समाज की उन मानसिकता को उजागर करने का प्रयास किया। रहीम कहते हैं कि संकट की घड़ी में या किसी व्यक्ति को कुछ दुख होता है तो दुख के समय व्यक्ति व्यथित होता है। मनुष्य पीड़ा के समय बुरी तरह से दर्द में होता है। ऐसा कहा जाता है, दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ जाती है। लेकिन रहीम कहते हैं समाज में ऐसे भी लोग हैं कि दूसरों का दुख जानकर उनके मन में प्रसन्नता का भाव उमड़ उमड़ कर आता है। तो ऐसे लोगों के लिए रहीम कहते हैं, अगर हमें किसी प्रकार का दुख होता है, हमें किसी प्रकार की पीड़ा होती है, तो हमारे मन की पीड़ा, हमारे मन का दुख हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, वे हमारा मन में ही रखना चाहिए। उसका कारण वे बताते हैं कि अगर हम किसी के साथ हमारे दुख को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है वह हमारे दुखों का मजाक उड़ाए। इसलिए रहीम कहते हैं, रहीम निज मन की विधा, विधा यानी व्यथा, दुख दर्द, निज यानी अपने मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, गोए यानी गुप्त, अपने मन में ही रखना चाहिए। सुने अठनिया लोग सब बाटी में लेहे कोए, लोग तो सब सुनते हैं लेकिन उनका मजाक उड़ाने का वो प्रयास करते हैं। इसलिए रहीम कहते हैं, जो भी हमारे मन को दुख होता है,
पीड़ा होती है उस पीड़ा को किसी के सामने हमें बताना नहीं चाहिए, वरना समाज के वे लोग जो दूसरों के दुख को जानकर उनको आनंद होता है, उनको मजा आता है, वे कहते हैं कि हमारे मन की व्यथा हमारे मन में ही रखनी चाहिए, किसी और को बताना नहीं चाहिए। तीसरा दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जान, साधे साधना साधना, सब सधे सब साधे सब जान। यहाँ पे जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में रहीम ने इस दोहे को व्यक्त किया है। रहीम कहता है, जीवन में सबसे कठिन से कठिन जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना चाहिए। अगर वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर थोड़े बहुत या उससे कम कठिन दिखाई देने वाले लक्ष्य चाहे कितने भी क्यों ना हो, वो उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए मैं कहते हैं कि सबसे ऊंचे लक्ष्य को हमें प्राप्त करना चाहिए। अगर हम उसको साधने का प्रयास करते हैं तो बाकी लक्ष्य को साधने की हमें आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, रहीमन मूल ही सीची गो फूले फले अघाय। रहीम कहते हैं मूल ही मूल या जड़, सीची गो सींचना, फूले फले अघाय, फूले फूल फले फल, अघाय यानी तृप्त होना। अगर हम किसी पेड़ को पानी देते हैं वो पानी पेड़ के निचले हिस्से में पानी देते हैं, मतलब क्या, पेड़ के जड़ों को अगर पानी मिलता है तो फूलों को फल को या पत्तों को या डालियों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है, अगर एक लक्ष्य की हम प्राप्ति कर लेते हैं तो हमें अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप उन लक्ष्यों की हम प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य दोहे में रहीम ने चित्रकूट के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। चित्रकूट एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा क्षेत्र था, एक ऐसा का प्रदेश था जिसको देखने के बाद हर एक के मन की निराशा दूर हो जाती है। इस प्रकार चित्रकूट के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ऐसे क्षेत्र का इस दोहे के द्वारा उन्होंने वर्णन करने का प्रयास किया है। यहां पर रहीम कहता है कि अयोध्या के जो राम थे, अवध नरेश, अयोध्या के जो नरेश थे, राजा थे राम, जब राम निराशा में थे, जब आंतरिक कलह मच गया था परिवार में, जब उनको वनवास जाना पड़ा 14 साल के लिए, तब वे चित्रकूट में आकर बसे थे। एक महल से निकलकर एक जंगल में आकर बसना एक तपस्वी का काम होता है। शायद भगवान राम उसी तपस्वी की तरह थे जो सालों तक तपस्या करने में विश्वास रखता था। यहां पर हम कहते हैं कि चित्रकूट में नहीं रहे, चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद रमी मन को प्रसन्नता होती है। क्यों? कि वो दृश्य इस प्रकार का होता है जिसको देखने के बाद हर किसी के मन को प्रसन्नता होती है। इसलिए प्रभु राम भी जब चित्रकूट में चले गए थे तो वहां जाने के बाद उनके मन को प्रसन्नता हुई थी, उनको वह चित्रकूट आकर्षक लग रहा था। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, जिन जिन पर विपदा पड़त है मतलब विपत्ति आती थी, संकट आता था, वह व्यक्ति चित्रकूट में आकर बस जाता था। सो आवत यह देश, वह व्यक्ति चित्रकूट इस क्षेत्र में आकर, इस प्रदेश में आकर अपना जीवन व्यतीत कर लेता था। इस दोहे के माध्यम से रहीम ने चित्रकूट के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला दोहा है, रहीम ने अगले दोहे के द्वारा दोहा छंद के महत्व उजागर करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं दो पंक्तियों के दोहे में न जाने
इतना गहरा अर्थ होता है, इसको पन्ने दर पन्ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती। दो पंक्तियों के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ मतलब क्या, दीर्घ, एक तरह से देखा जाए तो दोहा छंद में एक तरह से देखा जाए तो दो ही पंक्तियां होती है, थोड़े से अक्षर ही समान की ताकि दोहे में होती है, लेकिन उसका जो अर्थ है बड़ा गहरा होता है। जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चली जाए, रहीम कहते हैं कि एक कुशल बाजीगर जो अपनी बाजीगरी के द्वारा कुंडली मतलब एक गोलाकार कोई लोहे का एक साधन है जिसके द्वारा वह एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाकर अपने शरीर को सिमटाकर सिमटी कूदी चली जाए, अपने शरीर को सिमटाकर उस कुंडली के समान छोटे से गोलाकार कुंडली के समान एक जगह से वो दूसरी जगह आराम से वो कूद जाता है, ये उस बाजीगर की बाजीगरी है। कहने का तात्पर्य यही है कम से कम जगह में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह कूद जाता है। उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में दोहा कम से कम अक्षरों में, कम से कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ वो बताने का प्रयास करता है। संत कबीर में जब समाज में धार्मिक कर्मकांड मचा हुआ था तो उस समय उसको बताने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रवचन किए, बहुत सारे उन्होंने उपदेश दिए, लेकिन लोगों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दोहे के माध्यम से जब उन्होंने उस भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया तो वो लोगों को एक तरह से देखा जाए आलोचना या वो चोट बहुत गहरी तक जाकर वो लग गई थी, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा था कि पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं तो पूजू पहाड़, ताता वह चक्की भली जो पीड़ का है संसार। या इस्लाम के लिए उन्होंने कहा था काकर पाथर जोड़ी के मंजित नहीं बना है, ताचड़ी मुल्ला भांगड़े क्या बहरा हो गया होता है। कहने का तात्पर्य है कि इन दोहे के द्वारा उन्होंने एक तरह से देखा जाए दोनों धर्मों के ऊपर आलोचना की, घंटों उपदेश देने की आवश्यकता उनको पड़ी नहीं। इसलिए रहीम कहते हैं कि कम से कम शब्दों में दोहा छंद का बहुत अधिक महत्व है। उसी प्रकार उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया। अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंख को लघु जीव पियत आधार। यहाँ पे उन्होंने एक कीचड़ रूपी एक छोटे से एक तरह से देखा जाए कि कीचड़ में समाये हुए पानी का ज्यादा महत्व है तुलना में उदनी बड़ा ही कौन है तुलना में समंदर के पानी से। वे कहते हैं कीचड़ युक्त जल कम से कम छोटे छोटे कीटको लघु जीव पियत आधार, छोटे छोटे कीटक जो उस कीचड़ रूपी जल में है उनका प्यास, उनकी प्यास बुझाने का कार्य वह कीचड़ रूपी जल करता है, लेकिन चाहे कितना भी क्यों ना विशाल समंदर हो वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए वे कहते हैं आकार में तुलना में चाहे अमीर हो या गरीब हो उससे कोई मतलब नहीं होता, अगर वो दूसरे के काम में अगर आता है तो शायद व्यक्ति वो छोटा क्यों ना हो उसकी महानता उस बड़े व्यक्ति से ज्यादा होती है। रहीम ने यहाँ पे समंदर से ज्यादा बढ़कर महत्व देने का प्रयास कीचड़ युक्त जल को दिया है, क्योंकि उस कीचड़ युक्त जल में बहुत सारे कीटक होते हैं जिनकी वो प्यास बुझाने का प्रयास करता है। समंदर के हम कितना भी नजदीक क्यों न जाए वो हमारी प्यास बुझाने का कार्य नहीं करता है। ये इस दोहे के द्वारा बताया है। अगला है, ना दर्जी तन देत मृग न धन हेत समय, ते रहीम पशु से अधिक रीजे हो कछु न देत। इस दोहे के द्वारा रहीम ने यहाँ पे उन मनुष्यों की आलोचना करने का प्रयास किया है जो किसी कलाकार की कला को देखते हैं, उसकी कला को देखकर वो आनंदित होते हैं, उनके चेहरे पर एक हास्य का भाव आ जाता है, मन भावनाओं से विभोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रहीम कह रहे हैं किसी की कला को देखने के बाद अगर हमारा मन मंत्र मुग्ध हो जाता है तो कम से कम
बख्शीश के रूप में उसको कुछ धन या उसकी कला पर कुछ ना कुछ हमें नौछावर करना चाहिए। जिस प्रकार नाद ऋषि तन बेत मृग, जिस प्रकार संगीत की ताल पर मृग यानी हिरण संगीत की ताल पर नृत्य करते करते अपने प्राण तक नौछावर कर देता है, और जब वो नृत्य करता है तो मनुष्य उसका आनंद लेता है, आनंद लेता है, और उसकी कला पर अगर कोई मनुष्य धन वगैरह देता नहीं है तो वह व्यक्ति सबसे ज्यादा तुच्छ है। इसलिए वे कहते हैं किसी की कला को अगर हम देखते हैं उसके उस कलाकार को हमें कुछ ना कुछ बख्शीश के रूप में धन देना चाहिए, उसकी प्रशस्ति हमें करनी चाहिए। वो अलग अलग प्रकार के माध्यम से हम कर सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी कलाकार की कला को देखता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, उस पर कुछ नौछावर नहीं कर देता है, कुछ बख्शीश नहीं देता है, तो वह व्यक्ति रहीम कहते हैं वह व्यक्ति मेरी नजरों में पशुओं से भी ज्यादा निम्न दर्जे का है, पशुओं से भी ज्यादा निम्न स्तर का है। यह इस दोहे के द्वारा रहीम ने इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। अगले बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे माखन होय। इस अगले दोहे में रहीम ने मनुष्य के आपसी संबंधों को उजागर करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं दो व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार की अगर खटास हो जाती है, किसी प्रकार की बातों को लेकर अगर झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, एक बार अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए फिर वो बात कितनी बार भी अगर बन जाए, दोनों में सुलह क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पहले जैसा रिश्ता कायम नहीं रहता। उसमें एक तरह से देखा जाए तो गांठ पड़ जाती है। कहने का तात्पर्य यही है बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो दोबारा उसको संभालने के लिए मौका ही नहीं मिलता। अगर वो संभल भी जाती है तो उस रिश्ते में पहले जैसा मजा नहीं होता है। लाख करो जिनको है, लाख प्रयास हम क्यों ना करें लेकिन वो पहले जैसा रिश्ता कायम नहीं होता, पहले जैसा रिश्ता स्थापित नहीं होता। उसी प्रकार मैंने उदाहरण दिया है रहीमन फाटे दूध को मथे में माखन होए। एक बार अगर दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, उस दूध को कितने बार भी हम मथने का प्रयास करें उससे मक्खन कभी नहीं निकलता है। कहने का तात्पर्य यही है बहुत साधारण सूत्र के द्वारा रहीम ने इन नीति पर लोगों को प्रस्तुत किया है। देखो मनुष्य के रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, उसके साथ उन्होंने उदाहरण देने का प्रयास किया। वे कहते हैं मनुष्य के रिश्तों में अगर खटास आ जाती है, चाहे फिर लाख कोशिश करो पहले जैसा रिश्ता नहीं बन सकता। उसी प्रकार फटा हुआ दूध कितना भी मत लो, वो दोबारा से या उससे उसको कितना भी मथने का कोशिश करो उससे माखन नहीं निकलता है। ये इस पेज का दोहा था। अगला है रहीमन देखी बड़न को लघुन दीजिए डाली, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। यहाँ पे रहीम ने फिर से एक बार इसे एक प्रकार पहले दोहा को समझाया था, उसी प्रकार थोड़ा सा उसी से समानता दोहा यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। रहीमन देखी बड़ैन को लघुन दीजिए डाली। रहीम कहते हैं जो आकार में बड़ा है उसे देखकर किसी छोटे आकार वाले वस्तु की या किसी छोटे व्यक्ति की एक तरह से देखा जाए तो आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। दोनों का स्थान अलग अलग जगहों पर महत्व रखता है। वे कहते हैं कि चाहे आकार में कितना कोई बड़ा क्यों न हो, उसको देखकर छोटे आकार वाले वस्तु का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, उसको प्रताड़ित नहीं करनी चाहिए। जैसे जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। रहीम कहते हैं कि सुई जहां काम आने वाली है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। तलवार का अपना अलग महत्व है, सुई का अपना अलग महत्व है। धागा सुई में पिरोकर
हम कपड़ों को सिलवाने का प्रयास करते हैं या कपड़े सिलवाते हैं। युद्ध में अगर जाना है वहां तलवार की आवश्यकता है, वहां सुई की आवश्यकता नहीं है। युद्ध के मैदान में सुई महत्वपूर्ण नहीं है, तलवार महत्वपूर्ण है। कपड़ा अगर सिलवाना है वहां तलवार महत्वपूर्ण नहीं है, वहां सुई महत्वपूर्ण है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वस्तुओं का अपना महत्व होता है, चाहे वो आकार में छोटा क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो, उसकी तुलना विपरीत स्थानों पर हो नहीं सकती है। इसलिए रहीम कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर समाज के निम्न व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो समानता के अधिकार को रहीम ने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वह कहते हैं समाज में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, भारत में अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। उच्च जाति के व्यक्ति को देखकर किसी निम्न जाति के व्यक्ति की हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। सबके साथ समानता के अधिकार को हमें प्रस्थापित करना चाहिए। शायद अलग यहाँ पर उपदेश देने का प्रयास अर्जुन ने किया है। उन्होंने इस नीति पर एक विचार को नीति पर उदाहरण के साथ जोड़कर कहा है कि आकार में वस्तु वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका अपना अलग अलग स्थान पर महत्व होता है। उसको हमें एक तरह से देखा जाए तो उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगला दोहा है, रहमन निजी संपत्ति बिना को न विपति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचा। यहाँ पे इस दोहे में रहीम ने एक तरह से देखा जाए तो स्वयं पूर्ण होने के संदर्भ में मनुष्य को एक उपदेश दिया है। मनुष्य संकट में जब होता है उसके पास अपना अगर खुद का निजी संपत्ति, खुद की अगर संपत्ति हो, थोड़ा बहुत धन हो, थोड़ी बहुत जमीन हो, तो संकट के समय वो अपने आप को स्थापित कर सकता है, अपने बलबूते पर वो खड़ा हो सकता है। बहुत गहरा संकट आ चुका है, अपने पास पैसा नहीं है, ना ही अपने पास जमीन है, उस समय हम अपने बलबूते पर खड़ा नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य यही है, संकट के समय अपनी ही संपत्ति अपनी सहायता कर सकती है। अगर अपने पास खुद की संपत्ति ना हो तो हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता। रहीम ने निजी संपत्ति बिना, रहीम कहते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना कौन विपत्ति सहाय, विपत्ति के समय हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बिन पानी जो जलज को, जलज यानी कमल, कमल पानी के बिना वो जीवित नहीं रह सकता, वो अपने बलबूते पर वह जीवित नहीं रह सकता। अगर बिना पानी के कमल जीवित नहीं रह सकता तो ऐसे समय में नहीं रवि सके बचा, सूर्य भी उसकी सहायता नहीं कर सकता, सूर्य भी उसको बचा नहीं सकता। क्योंकि विज्ञान में हमने पढ़ा है इस धरा पर रहने वाले, इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीव है उनके लिए पानी और सूर्य प्रकाश ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे कवि रहीम कहता है कि कमल को अगर जीवित रहना है तो पानी की आवश्यकता है, पानी अगर नहीं रहेगा तो वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश उसको खत्म कर देगा। इसलिए वे कहते हैं कम से कम व्यक्तियों को भी अपने बलबूते पर संकट के समय स्वयं पूर्ण होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके पास अपना निजी अपना स्वयं का कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी जाके वे अपने बलबूते पर उस संकट की भीड़ में अपना सामना कर सकते हैं। रहीम के दोहे में अंतिम दोहा है, रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानुष। अंतिम दोहे में तीन बार पानी शब्द आया है, तीन बार। ये अलंकार में श्रेष्ठ अलंकार है, ये पानी पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों के अलग अलग अर्थ है। एक मोती है, मानुष है, चुन। पहले पानी का अर्थ है चमक, दूसरे पानी का अर्थ है मान सम्मान, तीसरे पानी का अर्थ है जल। मोती है, चमक के बिना एकदम फीका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई आकर्षकता नहीं है चमक के बिना। पहले पानी का अर्थ है चमक, दूसरा पानी का अर्थ है मानुष, मानुष का अर्थ यहाँ पर है मान सम्मान, समाज में
संबंध शून्य है। यहां पर अहम कहते हैं उस व्यक्ति का अगर कोई मान सम्मान नहीं है तो उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल अधूरा है, उसका जीवन शून्य है। यह दूसरे पानी का अर्थ है मान सम्मान। तीसरा पानी फिर से एक बार शब्द आया है जो है चून। चून मतलब आटा। आटा अगर गूंथना है, उससे रोटी अगर बनाना है तो पानी की आवश्यकता है। अगर पानी नहीं होगा आटा गूंथा नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है जल के बिना पानी के बिना इस धरती पर रहने वाले मनुष्य का हर एक जीवधारी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए रहीम कहते हैं कि पानी का इस धरती पर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी अगर नहीं रहेगा इस धरती पर कोई भी नहीं बच पाएगा। ये श्रेष्ठ अलंकार के द्वारा इस घोड़े को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब इसको व्याख्या कर सकते हैं। रहीमन पानी रात ये बिन पानी सब सुन। पानी के बिना मोती की चमक फीकी है। मनुष्य का जीवन मान सम्मान के बिना अधूरा है। और तीसरा है आटे को अगर गूंथना है तो पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य मनुष्य को अगर जीवित रहना है तो पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी के महत्व को यहाँ पे अंतिम घोड़े के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास रहीम दास ने किया है। ये अंतिम था। मैं आशा करता हूँ ये जो मैंने यहाँ पे व्याख्या की है आपको समझ आ गया। आज के दोहे के आधार पर मैं दो दोहे का आपसे अर्थ जानना चाहूंगा। एक है जो हमने थर्ड लास्ट देखा था, रहीमन देखी बड़े को लघु ने दीजिए डारी, जहां काम आवे सुनी कहां करे करवाए। ये पहला प्रश्न है। इस दोहे का भावार्थ या व्याख्या अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा है रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहा है। यह है प्रश्न क्रमांक दो। इस दोहे की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। बहुत बहुत